ब्यूटी फैमिली वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग R15 वर्जन 3 है जिसमें उन्होंने यहाँ पे टेल लगाया है। एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले, हम लोग इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट करने वाले, सेम इसी तरीके एग्जॉस्ट अपने यहाँ से निकालने वाले। कुछ यहाँ पे आएगा नीचे एग्जॉस्ट इस तरीके का यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग को पूरा जो है बैंड पाइप को फिर से बनाना पड़ेगा। अभी प्लान ऐसा है कि बैंड पाइप को जो है यहाँ से ही मोड़ के इसके ऊपर से अंदर लेके जाने का, या तो फिर यहाँ से ही ऊपर लेके जाने का, जो बेटर लगेगा वो। बाकी ये निकाल देंगे क्योंकि पीछे सीट का लगेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ करना है। बाकी पूरी बाइक को अपने यहाँ से लेके चलते हैं लेथ मशीन के उधर, एंड वहाँ पे अंकल जो अपने को हेल्प करेंगे बैंड पाइप बनाने में, क्योंकि अपने को तो बैंड पाइप का कोई आइडिया है नहीं। तो चलते हैं यहाँ से बाइक को लेके जाते अपने वर्कशॉप पे अंकल के, एंड वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, अपने शॉप पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा बैंड लेके आए यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारे बैंड अपने को हेल्प करेंगे ऊपर तक पाइप को लेके जाके पीछे डबल एग्जॉस्ट करने में। एंड जो एग्जॉस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऐसे प्रोजेक्ट का जो एग्जॉस्ट अपने लगाएंगे पीछे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा दोनों बाजू। ये टेल यही रहेगी बट दूसरी रहेगी, इन द सेंस के मतलब शेप तो यही रहेगा, ये टेल लगाएंगे। एंड साथ ही में आप पाइप देख सकते हो, सारी पाइप भी लेके आए जो बैंड के लिए काम आएगी, एंड पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके ऊपर तक लेके जाएंगे। और आपको बताऊँगा किस तरीके से कहाँ पे कौन सा बैंड यूज़ हो रहा है, तो आपको भी हेल्प होगी कभी आप फ्यूचर में आपको करना रहेगा तो। सो गाइस, जो स्टॉक बैंड पाइप थी उसको वहाँ से काट दिया गया, आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ मैं। तो ये यहाँ से कट करके निकाल दिया है, एंड उसी पे कंटिन्यूएशन के लिए एक पाइप लगा रहे हैं सेम थिकनेस की और सेम डायमीटर की। तो यहाँ से सीधा जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर, देन वहाँ से दो डिवाइड होके दो एग्जॉस्ट में निकलेगा। कितना गैप? हाँ चलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैंड्स लगेंगे, तो ये सारे बैंड्स के हेल्प करते हैं कि पाइप को मूव करने के लिए। और ये सारी चीज़ें ना आपको रेडीमेड मिल जाती है, अलग से बैंड वैंड करने का झंझट नहीं रहता है। सो गाइस, एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे दो बैंड एंड एक टी यूज़ किया गया है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है जो अपना ड्यूल एग्जॉस्ट का, जो यहाँ से निकलेगा कुछ इस तरीके से। अभी जुगाड़ कुछ ऐसा कर रहा है कि यहाँ तक का तो बन गया, अभी यहाँ से एक यू बैंड लेके यहाँ से स्ट्रेट अवे फ्रॉम यहाँ तक लेके जाएंगे, और यहाँ से एक और यू बैंड लगाएंगे और वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी वहाँ पर अभी जो है माप ले लिया, अभी उसको काट रहे। सो ये चौथा बैंड लगने जा रहा है इसमें, तो एक बैंड इधर लगा, एक बैंड इधर, एक बैंड उधर, एंड दो बैंड साइलेंसर, मतलब टोटल पांच बैंड लगे अपने को। और अभी एक और टाका, फिर एक लास्ट टाका लेंगे, और जो फाइनल जो अपना एग्जॉस्ट से जो बैंड लगेगा उसका, एंड देन फाइनली जो अपना काम हो जाएगा। सो फाइनली जो अपना बैंड पाइप है वो रेडी हो चुका है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे बैंड्स लगे इसमें, एंड पूरा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अभी फाइनल करने जा रहे हैं, मतलब जो जो जगह पे टाका टाका अपने लिए थे वो पूरा कम्प्लीटली फाइनल हो जाएगा, उसके बाद एकदम प्रॉपर दिखेगा ये, तो वो चीज़ है। एंड उसके बाद जो है अपने बाइक लेके जाएंगे घर पे, और एक बार आपको इसका साउंड भी सुना दूंगा। बॉडी का कलर भी आ चुका है, बॉडी का कलर आप देखोगे ना आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो घर चलते हैं एंड आपको पूरा बताता हूँ मैं। सो अभी टाका को फाइनलाइज़ कर रहे हैं, मैं बता था ना आपको, अब सारी जगह पे टाका को एक जैसा करेंगे, उसके बाद बफिंग करेंगे, एंड फिर एकदम प्रॉपरली हो जाएगा। और ये आर्गन वेल्डिंग है जो हो रहा है, और यही मतलब ये वेल्डिंग एकदम फिनिशिंग आता है अच्छे से। सो गाइस, बाइक हम लोगों ने घर पे लेके आ गए, एंड कल क्या काम हुआ आप लोगों को एक बार डिटेल में समझाता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने जो यहाँ लिया बैंड पाइप देखोगे, वो जो स्टॉक बैंड पाइप, स्टॉक इन द सेंस जो आफ्टर मार्केट बैंड पाइप आती है V3 की, वही बैंड पाइप है ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से कट किया, यहाँ से अब देख सकते हो वेल्डिंग हुआ है, एंड यहाँ से टोटली यहाँ तक गया ऊपर तक। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से एक यू बैंड लिया गया जो स्ट्रेट अवे गया यहाँ तक, यहाँ से एक और यू बैंड, देन फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से डबल आउट, एंड पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। और अभी टायर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा आएगा, उसके बाद ये जो लुक आने वाला है ना बहुत ही ज़्यादा सेक्सी आने वाला है, क्योंकि डबल एग्जॉस्ट अभी चेंज करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आइडल में तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका आवाज़,
बट जैसे आप इसको रिव करोगे ना गाड़ी को तो आवाज़ फटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं चेकआउट कराता हूँ। देखो ये आइडल में आवाज़ देखो कितना स्मूथ है, पर जैसे अपने रिव करेंगे ना, ये देखो तो आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बैक फायर भी मार रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा आवाज़ अगर रास्ते पे लेके निकलेंगे तो अगर नोटिस नहीं होने वाली होगी गाड़ी तो भी नोटिस होगी, तो वो चीज़ का एक सोल्यूशन निकालना है। बाकी यहाँ से यहाँ पे कम लोगों ने क्लिप बनाया एंड ये वाली क्लिप यहाँ से जो बनेगी जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसा नहीं हिलेगा वो तब बनेगी जब हम लोग टेल फिटमेंट कर देंगे। एंड कलर आप एक बार चेकआउट कर लो कौन सा कलर हम लोग ने इसमें करने वाले इस बाइक का, मतलब फिटिंग के बाद जो कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक एंड नाडो ग्रे टाइप का, डार्क नाडो ग्रे, एंड तो बुलेट है जिसको हम लोगों ने मैट ब्लैक कलर किया है, इसका भी फिटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा आज। तो ये पूरा पैनल जो है अभी इसमें फिट होगा। फिट होने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें चेकलिस्ट करनी है, जैसे टायर्स हो गए आगे पीछे के 180 के, 190 हम लोग मैक्सिमम साइज़ अपडेट करेंगे एंड आगे 120। एंड अदर थिंग इज दैट इसका ऑयल सील फटा है तो ऑयल सील भी चेंज करना है। आप देख सकते हो इसका ऑयल सील लीक है, एक नहीं दोनों ऑयल सील लीक है, यानी उसमें भी मोटा खर्चा है अपने को, तो वो भी इसका चेंज करना है क्योंकि ऑयल भी चेंज करना है। क्योंकि सेकंड हैंड यूएसजी लेते तो अपने को मालूम नहीं रहता कौन सा ऑयल इसमें यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे रहता है खराब इंजन ऑयल ही डाल देते हैं अंदर, बट अपने को चेंज करना है। एंड क्योंकि इसमें जो ऑयल आ रहा है ना ऑयल सील के बाहर फटने का, तो काला ऑयल आ रहा है एकदम, तो वो एक चीज़ है। बाकी डबल एग्जॉस्ट का प्रोजेक्ट ये था इस बाइक का, एंड दिखने में भी एकदम नीट लग रहा है, आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली गया है। एंड ये कुछ इस तरीके से इस तरफ यहाँ पे हम लोगों ने जगह भी छोड़ी ताकि नंबर प्लेट लगा दे। एंड ये जो आप वेल्डिंग देख रहे हो एक बार पूरा हम लोग फिटमेंट करेंगे, उसके बाद बफिंग करेंगे तो एक सिंगल पाइप दिखेगा पूरा वहाँ तक। तो यहाँ तक आपने देखा डबल एग्जॉस्ट का पूरा सीन, एंड यही था इसका पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको भी डबल एग्जॉस्ट करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डबल एग्जॉस्ट आपकी जो भी बाइक है उस हिसाब से हम लोग जो है बैंड पैक बना के आपको भेज देंगे। तो यही था इसका पूरा कंप्लीट वीडियो, पीस आउट।